खरगापुर तहसील में राजस्व विभाग की कार्यशाला की गई आयोजित। खरगापुर तहसील कार्यालय में राजस्व विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसीलदार सुनीता साहनी ने सभी को बताया कि शासन के द्वारा राजस्व में संशोधन किया गया है। इस दौरान तहसीलदार सुनीता साहनी ने बताया कि अतिक्रमण की प्रथम अपील होगी, द्वितीय नहीं की जाएगी। जो जिसके सर्वेक्षण अधिकारी कलेक्टर एवं SDM होंगे, पहले आवेदक की अनुपस्थिति में नामांतरण खारिज किया जाता था, लेकिन अब जो आवेदक अनुपस्थित रहेगा तो नामांतरण खारिज नहीं किया जाएगा और किसान RCMS से अपनी जानकारी ऊपर भेज सकेंगे, जिससे किसानों के जो कार्य लंबित रहते थे वह लंबित नहीं रहेंगे। और उन्होंने आगे बताया कि गांव में जो स्वयं की भूमि पर मकान या दुकान बनवाते हैं तो उसका आवेदन तहसील में करना होगा और जानकारी देनी होगी। इस दौरान उन्होंने जितने भी राजस्व विभाग में संशोधन हुए हैं उनको बारीकी से सबको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा किए गए बदलाव से कर्मचारी एवं आम जनमानस को सुविधा होगी एवं किसानों को भी सुविधा होगी। इस दौरान तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार दीप्ति चौधरी, दीपेश मिश्रा खरगापुर, थाना प्रभारी नितेश जैन, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमित भूषण चौहान, पटवारी संघ के तहसील अध्यक्ष कैलाश नारायण आदिवासी एवं BJP के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, समस्त पटवारी, खिलेंद्र शर्मा एडवोकेट एवं काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। दूसरा निवेदन हमारे ये होता है कि 100 मदद में रजिस्ट्री का नामांतरण होता है। एक किसान किसी भी प्रकार के संपत्ति कलेक्ट करके किसी भूमि का क्रय करता है, सवाल नामांतरण में आता है कि इसका 100 मदद दे दो, तो या तो अगर कोई जमीन विक्रय से प्रबंध लेते तो खतरे में आने की पहले से क्यों नहीं दिखोला, तो ले ही क्यों, उसकी रजिस्ट्री न हो, उसमें रजिस्ट्री क्रेता को भी पैसे दे दिए, रजिस्ट्रार आपके यहाँ कोर्ट फीस भी देती, रजिस्ट्री शुल्क भी देती, तो इसके बाद उसके सामने बड़ी विड़ंबना खड़ी हो जाती है। इस समय 215 की नकल नहीं है, इसलिए आपका नामांतरण किया जाता है, कोई गरीब किसान ज्यादा ही भूमि खाता है। इसलिए इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि किस तरह तक की भूमि विक्रय योग्य है, किस तरह की भूमि स्वामी की भूमि विक्रय योग्य नहीं है, ये भूमि किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं की जा सकती है, एवं जो 215 माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जानी है वो संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति रजिस्ट्री से ही प्रारंभिक रूप से ही बात करें। ये बड़ी व्यवस्था है। तीसरा महोदय 170 का जिसमें बाबा के बनवाने का उल्लेख किया गया है, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अब जो भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, 158 के तहत भूमि स्वामी है, वो अपने जीवन काल में अपने विधेयक बालकों को संपत्ति में बदलाव कर सकता है। ठीक है, अरे भाई किसी के बारे से किसी का लड़का शराबी है वो शराबी को नहीं देना चाहता है, किसी का लड़का जुड़ा वाला है वो बेच देगा, उसके पिता को पता है कि वो नहीं देना चाहता है और सभी विधेयक बालकों को नहीं जाना है, तो बंटवारे का क्या उचित होगा, वो तो खुद ही बात करने वाला फिर दीगर बात दूसरे को जाएगी। इसलिए उसमें संशोधन होना चाहिए कि कोई भी भूमि स्वामी जिसके जिसने स्वर्ज भूमि की है, जिसने स्वयं से भूमि स्वर्ज किया है, वह किस वारस को देना चाहता है, वह पारिवारिक बंटवारे के माध्यम से, ताकि उसकी रजिस्ट्री शुल्क कम लगे, उसकी फीस कम लगे, उसका पैसा ज्यादा बर्बाद ना हो, और माननीय न्यायालय से पारिवारिक बंटवारे को किस वारस को देना चाहता है, वह अपने आवेदन का उल्लेख करें और बंटवारे में वारस को बात भूमि करें। अगर सभी वारसों के पास जाना है माननीय महोदय, तब तो होती प्रबंध नहीं पड़े आपसे, 170 का कोई महत्व ही नहीं, जरूरत ही नहीं, तो सबको जाना है तो दीवार चला जाएगा, क्या हो सकता है। समझ कर रहा है। तीसरा महोदय मेरा निवेदन यह है, 170 में कहा गया है MPA राशि में कि कोई भी व्यक्ति अपने अंश का व्यवहार के लिए माननीय महिला में करेगा। सवाल आता है कि उसमें फर्ज आपत्ति प्रस्तुत होती है फर्ज के ऊपर, कोई कहेगा उसको बनवाने का तो अधिकार है, दूसरे शहर खाते जाने वाला ये वही आपत्ति है, गलत है। उसके फर्ज के बाद जब आपत्ति आती है तो उसका निर्धारण होना चाहिए कि किस विषय में आपत्ति है, क्योंकि एक्ट में संशोधन हो गया है कि भूमि की गुणवत्ता देखी जाएगी, भूमि की क्वालिटी देखी जाएगी, भूमि की क्षमता देखी जाएगी, और उसमें सहमति के आधार पर उसमें एक पॉइंट अच्छा है कि सहमति के आधार पर उसके हक में अंश और रकबा में भी हेर फेर करके उसका बंटवारा किया जा सकता है।
परंतु माननीय महोदय मेरा निवेदन है कि कोई व्यक्ति जिस खाते में एक बच्चे तीन का हिस्सेदार है उस खाते में 10-15 नंबर है और अगर वो सहमति नहीं बनवाएगा तो उस व्यक्ति को 10-15 नंबर में एक बड़ा तीन का हिस्सा दिया जाएगा। ऐसा हाईकोर्ट ने ठीक निर्णय दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंतोबत्वा असहमत है तो उसको प्रत्येक खाते के प्रत्येक 15 नंबर से उसके हिस्सा के अनुसार उसको हिस्सा दिया जाएगा। उसमें न कोई गुणवत्ता का सवाल होगा, न कोई भूमि की क्वालिटी का सवाल होगा और न किसी की भी प्रकार की उसकी डोर का सवाल होगा। अगर उसकी आपत्ति आती है तो सह खातेदार एनी हाउ सहमत नहीं है बनवा रहे थे तो ऐसा बनवाया उसके एक बता तीन परिवहन किया जाना चाहिए और जिसका मूल्य उसके हिस्से अनुसार किया जाना चाहिए और जिसका मूल्य एक्टिव होना चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रावधान यही कहता है कि आप घूमने ऐसा होगा उसको सभी हिस्से में से उसको घूमे तो नियम यही कहता है कि 6 मार्च के अंदर अंदर आप आवेदन लगा दें या पटवारी आपको लगा दें इसी तरीके से रजिस्ट्री होगी या वसीयत होगी जो भी होगी उसमें टाइम लिमिट निर्धारित है 6 महीने के अंदर अंदर। अगर 6 महीने के पश्चात करते हैं तो उसमें लेट फीस का प्रावधान किया जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।